नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज शाह आपका डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बायोलॉजी के एमसीक्यू का और ये पार्ट वन है। इसका जो टारगेट ऑडियंस है वो है यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट और आईनेट। फ्रेंड्स, अगर आप एफकेट, आईनेट, एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल के सभी वीडियोस को ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी वीडियोस को कम्प्लीटली देखिए तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड डेड सेल एंड लिविंग सेल? डेड सेल और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो पहला ऑप्शन है पुरकिंजी एंड एंटोन वैन लिवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वैन लिवेनहॉक और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, रॉबर्ट हुक एंड एंटोन वॉन लेवेनहॉक। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी और एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और पुरकुंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि सेल थ्योरी किसने दी थी? तो ये दिया था स्किलडेन एंड स्क्वान ने। और जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, मॉडर्न सेल थ्योरी ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये दिया था वर्च्यू ने 1855 में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिखें और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो आपके ऑप्शंस हैं कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंस या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्स लेंस। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। फ्रेंड्स, लेंस से लेके एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मायोपिया, इसे आप नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते होंगे। तो इस केस में जो चश्मा लगाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है? तो वो होता है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, व्हाट इज कलर ऑफ द सैफ्रन इन स्टेन? तो फ्रेंड्स, सैफ्रन इन स्टेन का कलर क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं पिंक, ब्लू, ऑरेंज और पर्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है पिंक। तो फ्रेंड्स, ये सैफ्रन इन स्टेन जो है ये एक बायोलॉजिकल स्टेन होता है जिसे हम यूज करते हैं हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्स में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि साइटोलॉजी किस चीज की स्टडी होती है? तो ये स्टडी होती है प्लांट्स और एनिमल की स्ट्रक्चर की, प्लांट्स और एनिमल के स्ट्रक्चर की। तो आपको ये याद होना चाहिए, प्लांट्स और एनिमल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी होती है, इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, तो विच प्रोसेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? ऑप्शंस है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है
डिफ्यूजन। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, द सेल हैज गेन्ड वाटर व्हेन केप्ट इन द सॉल्यूशन। इट वॉज केप्ट इन, आपके ऑप्शंस हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं प्रोटीन एंड लिपिड से, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने हैं प्रोटीन एंड लिपिड से। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शंस हैं फ्रुक्टोज, माल्टोज, सेल्यूलोज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन भी सेल वॉल से है, क्वेश्चन 8, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन, ऑप्शंस हैं फंगाई, एल्गे, प्लांट्स, पैरामीशियम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है पैरामीशियम, सेल वॉल पैरामीशियम में नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर है पैरामीशियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9, विच ऑफ द ऑप्शन डज नॉट हैव अ डबल लेयर आउटर कवरिंग। ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। तो ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड्स में और न्यूक्लियस में खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑर्गेनेल मटेरियल्स आर मॉडिफाइड पैकेज्ड दैट आर यूजुअली रिलीज्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गॉल्जी अपैरेटस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज किया जाने वाला कौन सा ऑर्गेनेल है जो मटेरियल्स को मॉडिफाई और पैकेज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गॉल्जी अपैरेटस, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, लाइसोसोम्स आर मॉडिफाइड और पैकेज्ड इन विच ऑर्गेनेल। तो इसके ऑप्शंस हैं गॉल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी प्लास्टिड्स। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम को मॉडिफाई और पैकेज कौन करता है, वो करता है गॉल्जी अपैरेटस, ऑप्शन ए। इन लिवर सेल विच ऑर्गेनेल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स एंड पॉइजंस। आपके ऑप्शंस हैं RER, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम तो RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 14,
जनरली बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय हाउ मैनी लेयर्स? ऑप्शंस हैं कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैग? ऑप्शंस हैं लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है लाइजोसोम, ऑप्शन नंबर ए। इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड्स स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन एक्सेट्रा? तो आपके ऑप्शंस है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट डिस्टिंक्ट कलर्स देता है, पिगमेंट्स, डिस्टिंक्ट कलर पिगमेंट्स देता है, डिस्टिंक्ट कलर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। तो फ्रेंड्स तीनों के जो रोल है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ प्लांट सेल्स डिफर बाय एनिमल सेल? ऑप्शंस है बाय प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, बाय प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ऑप्शन सी बाय प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस होता है वो है लार्ज वैक्यूल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और प्लास्टिड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, विच मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट्स और स्टेम्स? ऑप्शंस हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। जो दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, फ्रेंड्स ये होता है इंटरनोड्स और बेस ऑफ लीव। और लैटरल मेरिस्टम होता है ये प्लांट जो होता है उसकी थिकनेस इंक्रीज करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ लीफ इज ड्यू टू? ऑप्शंस हैं पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्चाइमा टिश्यू और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है कोलेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्चाइमा टिश्यू के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो जो स्क्लेरेन्चाइमा टिश्यू होता है ये होता है हार्ड एंड स्टिफ, ये डेड होते हैं। और पेरेन्काइमा टिश्यू ये अनस्पेशलाइज सेल होते हैं, अनस्पेशलाइज सेल, ये थिन सेल्स होते हैं और ये लाइव सेल होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड। और कोलेन्काइमा टिश्यू ये होता है, ये आपको एपिडर्मिस के बिलो मिलेगा, एपिडर्मिस बिलो एपिडर्मिस, ये स्मूथ होता, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है और इरेगुलरली थिकेंड होता है। तो आपको इन तीनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वास्कुलर बंडल
इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं स्केलेनचाइमा टिश्यू, कोलेनचाइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्केलेनकाइमा टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन जाइलम। ऑप्शन है ट्रैकियाड्स, वेसल, जाइलन पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव्स। तो इसमें ट्रैकियाड्स, वेसल, जाइलन पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स ये सभी होते हैं। फ्रेंड्स ट्रैकियाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स दे ऑल हैव थिक वॉल। इसके अलावा ट्रैकाइड्स और वेसल ये दोनों ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन की मदद करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करते हैं ट्रकाइड्स और वेसल। जाइलम पेरेन्काइमा फ्रेंड्स ये फूड स्टोर करने में मदद करता है, फूड स्टोर करने में मदद करता है। और जो फाइबर होता है ये मेनली सपोर्टिव होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन फाइलम। ऑप्शंस है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइलम फाइबर्स, फाइलन पैरेन्काइमा। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फाइलम फाइबर्स, फाइलम पैरेन्काइमा ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है। तो ऑप्शन ए है पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी है कोलेन्काइमा, ऑप्शन सी है स्केलेन्काइमा, ऑप्शन डी है फाइलम एंड जाइलम। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फाइलम एंड जाइलम। तो फ्रेंड्स आपको इन सभी का जो रोल है वो पता होना चाहिए कि पेरेन्काइमा क्या करता है, कोलेन्काइमा क्या करता है, स्केलेन्काइमा, जाइलम एंड फाइलम एंड जाइलम ये क्या करते हैं। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फाइलम इनमें से कौन सा रोल परफॉर्म करता है। फ्रेंड्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। ये होते हैं सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो बने होते हैं एक टाइप के सेल से, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेनकाइमा। ये तीनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं। और जो दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें होता है कि ये मल्टीपल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। तो इसमें ये एक कॉमन, तो इसमें एक ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं जाइलम, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 24, द एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पे एपिथेलियम टिश्यू मिलता है। ऑप्शन ए है स्किन, ऑप्शन बी है लाइनिंग ऑफ द माउथ, ऑप्शन सी है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड किडनी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एपिथेलियम टिश्यू ये स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड किडनी यहां सभी जगह मिलता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शंस है ब्लड, बोन, लिगामेंट और ऑप्शन डी है स्किन। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ऑप्शंस है आपके पास ब्लड, बोन, लिगामेंट या स्किन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्किन। स्किन एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। साथ ही आने वाले वीडियोस हैं बायोलॉजी एमसीक्यू पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी ही आएंगे। साथ ही डिफेंस के करंट अफेयर्स फेब 2020 से लेके अगस्त तक के करंट अफेयर्स भी अपलोड जल्दी ही किए जाएंगे।